दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ द चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. इन दिस चैप्टर आई विल टीच यू हाउ टू फाइंड आउट वैलेंसी. नाउ टू फाइंड आउट वैलेंसी फर्स्ट यू शुड नो वॉट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. नाउ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस. अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस. सपोज दिस इज न्यूक्लियस. दीज आर द शेल्स. इन प्रीवियस वीडियो ऑल्सो आई टोल्ड यू बट वंस अगेन आई एम रिपीटिंग. जस्ट लाइक द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. जैसे सूरज के चारों तरफ आपके प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं एक पर्टिकुलर पाथ में, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भी जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं. और न्यूक्लियस के पास जो सबसे पहले वाली शेल होती है उसको हम लोग के शेल बोलते हैं, दूसरे वाली शेल को हम लोग एम शेल बोलते हैं, और तीसरे वाले को एन बोलते हैं. अगर चौथी होगी तो उसको के एल, सॉरी दिस सेकेंड को हम लोग एल बोलते हैं, थर्ड को हम लोग एम बोलते हैं, और फोर्थ वाली को एन बोलते हैं. तो के इज इक्वल टू वन, एल इज इक्वल टू टू, एंड एम इज इक्वल टू थ्री, और एन इज इक्वल टू फोर. ये आपको जानना चाहिए. अब हर शेल की एक कैपेसिटी होती है. तो एक आपका रूल है, दैट इज़ बोरबरी स्कीम. बोरबरी स्कीम के हिसाब से जो पहला आपको पढ़ना है उसमें है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 2n स्क्वायर के हिसाब से फिलअप होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 2n स्क्वायर के हिसाब से फिलअप होते हैं. तो अगर आप उसमें डालेंगे तो आप देखेंगे कि अगर के शेल है तो उसमें आपके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स दो ही हो सकते हैं. नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन दो हो सकते हैं. के में आपका उस फॉर्मूले से 2n स्क्वायर के फॉर्मूले से आपका जो है n क्या है, शेल्स हैं. n क्या है आपके, शेल्स हैं. तो आप जब डालेंगे n इज इक्वल टू 2 तो 8 आएगा. m में जो है होना तो चाहिए 18, लेकिन और एक रूल है कि जब 8 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं तो एक नई शेल बन जाती है. तो इस वजह से उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो फोर्थ शेल में 2 इलेक्ट्रॉन डालते हैं, और जैसे ही फोर्थ शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है फिर से हम थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन भेजना शुरू कर देते हैं. लेकिन आपकी क्लास में 18 तक ही है तो आप 18 तक ही पढ़िए. तो आप जानिए कि पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 8 होगा तो आपका 18 टोटल कम्प्लीट हो जाएंगे. इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अब आइए हम लोग एक एक करके जो है बताते हैं. तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन द पर्टिकुलर सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एंड द नेम ऑफ द शेल्स आर K, L, M, N, and so on. Now the simplest element is hydrogen, and its atomic number is 1. So only one electron is present. Therefore, it has one electron in K shell. Now hydrogen has the capacity to either lose electron or to gain electron. मतलब वो एक electron दे भी सकता है और एक ले भी सकता है. अगर दे देगा तो वो बिना इलेक्ट्रॉन के हो जाएगा और उस पर जो आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो उसकी वैलेंसी जो हो जाएगी आपकी प्लस वन हो जाएगी. वैलेंसी में हम लोग सिंबल नहीं दिखाते हैं, साइन नहीं लिखते हैं, लेकिन आपको हम समझने के लिए बता रहे हैं कि अगर वो दे रहा है मतलब उसके पास जो है, उसने अमीर था तो उसने दे दिया, इसलिए पॉजिटिव चार्ज. कैटायंस को पॉजिटिव कहते हैं. और हाइड्रोजन जो है वो आपका ले भी सकता है. ले लेगा मतलब कि उसके पास कमी थी, तो कमी थी तो उसका क्या हो जाएगा, दैट इट विल हैव माइनस वन ऑल्सो. तो हाइड्रोजन के पास प्लस वन भी होता है और माइनस वन भी होता है.
अब आइए दूसरे केस में, दूसरे में हीलियम है, हीलियम एटॉमिक नंबर इज 2 एंड द कैपेसिटी ऑफ के शेल इज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, आफ्टर दैट इट विल नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, सो नाउ इट मीन्स वैलेंसी इज 0, वाई 0, नाउ वैलेंसी, द फॉर्मूला फॉर वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. Octet means here it is 2 electrons, so it will be called as duplet. But if it is 8 electrons, so it is called as octet. So no need to, it will not require any more electron. So 2 minus 2, that will be equal to 0. Now atomic number 3, lithium. Now first shell will have 2 electrons and one left, it will go to L shell. Now the capacity of L is 8. Now you have not studied, I will tell you, there are some elements, if they have 1, 2, 3 or 4 electrons in the valence shell. Now what is valence shell? Valence shell is the outermost electron. Outermost shell, valence shell is outermost shell, valence shell, outermost shell, and valence electron is the number of electrons present in the valence shell, present in the valence shell. Now you can see here that the valence shell of lithium is L and it has only one electron, so it is easy to lose out this electron instead of gaining 7 electron to complete its shell, therefore it will lose out, so its valency will be also +1. Now beryllium has 2 electrons, so it will also lose this, it can lose these 2 electrons, so its valency will be 2. Beryllium valency 2. Now come to boron. Boron has atomic number 5, so first shell 2, now first shell all the will have 2 and the remaining electron will go to L shell, so it will has 3, now again its valency will be 3 because jo hai 3 dena aasan hai bajaye ki 5 lena. Ab aata hai carbon, carbon ke paas jo hai atomic number 6 hai, matlab ki number of electron iske 6 hai, to आपके पहले शेल में 2 गया, दूसरे में 4 गया, अब ये भाई जो है भाई साहब 4 ले भी सकते हैं और 4 दे भी सकते हैं, तो ये +4 भी शो करते हैं और -4 भी शो करते हैं. +4 जो है कार्बन, अगर -4 होता है तो उसको हम लोग कार्बाइड बोलते हैं, ये हम बाद में भी बताएंगे आपको. अब आइए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के पास 7 है, पहले शेल में 2 गया, दूसरे में 5, 5 + 2 = 7 हो गया. नाउ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लूज आउट 5 इलेक्ट्रॉन्स, इट कैन एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड द एलिमेंट विच विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स दे आर नॉन मेटल्स एंड द एलिमेंट्स विच कैन लूज द इलेक्ट्रॉन्स दे आर मेटल्स. सो नाइट्रोजन हियर इज, it can accept 3 electron, so it is a non-metal,
So you can differentiate by this also. Here carbon it cannot lose or share, only it lose or gain, it can share. So it is also a non-metal. Now comes oxygen, atomic number 8. So first shell 2, second shell 6, it can accept 2 electrons, so it will have minus 2. So from here I think you would have understood how to find out the valency. Now I will tell you the next. Now next is atomic number 9. So number of electron here is 9. First shell will have 2 electrons, and that is L shell will have 7 electrons. So 7 plus 2, 9. Now how much electron less to complete its octet? That is 8. It is 1 less, so its valency is 1, and we can denote it by minus sign. In once again I am telling you, that is minus plus sign is not written before valency, but to understand whether it is losing out or it is gaining, I am telling you minus or plus. Now come to argon, atomic number 10. It has 10 electrons. So first shell 2, second shell 8. Now its shell is completely filled, means 8 minus 8, 0. Now again it is a inert gas. Previously which that is helium was a inert gas. Now argon is the inert gas. So what are inert gases? Those gases which has completely filled orbital are called inert gases. जिनके shell पूरी तरह से भरे हुए रहते हैं उन्हें हम inert gas कहते हैं, और उनकी valency zero होती है. अब आइए अगला, atomic number 11. So number of electrons are also 11, and first shell will have 2, second will have 8, and third shell will have 1. Again I have told you कि अगर बाहर के shell, मतलब यहाँ बाहर का shell M है, में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो आसानी से दे सकते हैं, वो मेटल्स होते हैं, और 4 के बाद वाले सब जो है वो नॉन मेटल्स में आते हैं, क्योंकि वो दे नहीं सकते हैं और ले नहीं सकते. शेयरिंग 4 वाला तो सिर्फ शेयरिंग कर सकता है, लेकिन 5 और 6, 7 वाला ले सकता है. तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, कि सोडियम जो है 1 दे सकता है, उसकी वैलेंसी 1 हो गई. मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12, 2, 8, 2. ओनली यू हैव टू ऐड द नंबर एंड यू शुड नो द कैपेसिटी, कि हाउ व्हाट इज़ द कैपेसिटी. के कैपेसिटी 2, एल कैपेसिटी 8, एंड हियर अप टू योर स्टैंडर्ड 8 ओनली, अदरवाइज इट्स कैपेसिटी इज 18. नाउ similarly aluminium 13, first shell 2, second shell 8, third shell 3, so its valency 3. Now here this is plus, this is plus, this is plus. Silicon 14, so 2, 8, 4, and its valency is 4. It can either lose or gain, that is plus 4 or minus 4. Phosphorus 15, 2, 8, 5, so it has 3 less electrons, so 5 minus 8 is minus 3. Now sulfur minus 2, chlorine minus 1, again argon 0 because shell is completely filled. Atomic number 18, so 2, 8, 8. So 8 minus 8, 0. Again, it is inert gas. So in your class, up to this, you have to study. But I will like to tell you 2 more to complete the series. Potassium, atomic number 16. So 19 electrons. K shell 2. L shell 8.
M shall also 8, and after that again that the rule which I told you earlier कि जैसे ही थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो जो है आपका चौथा शेल भरना शुरू हो जाता है. तो चौथा शेल जब भरेगा तो यहाँ आ जाएगा 1, तो पोटेशियम की वैलेंसी हो गई आपकी 1, तो ये मेटल हो गया. उसी तरह कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, तो आपका यहाँ पे हो गया 2882, इसकी जो है आपकी वैलेंसी 2. अब आपके कोर्स में फिर मैं बता रही हूँ नहीं है, लेकिन अब इतना आप जानिए, अगर एटॉमिक नंबर 21 होता, जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज, नो नीड टू, दिस इज स्कैंडियम, सिंबल इज एस सी. नाउ रूल जो है बोरबरी का वो कहता है कि जैसे ही फोर्थ शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो फिर अंदर वाली शेल भरनी शुरू हो जाती है. तो यहाँ हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा 2. इसलिए आप जो है वो मतलब परेशान मत होइए, आप 18 तक पढ़िए, वही आपके लिए बहुत है. अब आपको एक चीज़ और इसमें बताना चाहूँगी कि जैसे फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस जो है एक -3 के अलावा जो है वो एक और वैलेंसी शो करता है, दैट इज़ 5, और वो अंडर स्पेशल कंडीशन होता है, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं, बट यू शुड नो इट कि फॉस्फोरस की एक वैलेंसी और होती है जो कि 5 होती है. तो ये हो गया आपकी वैलेंसी. नाउ कम्स टू, अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अब आपको हम वैलेंसी वाइज बताएंगे. काफ़ी तो कवर हो गए आपके इसमें 1 से 20 में, लेकिन जो कवर नहीं हुए वो मैं इसमें कवर करूँगी. सिंबल्स विद वैलेंसी ऑफ सम मोर एलिमेंट्स एंड आयंस. पहला है आपका मोनोवेलेंट मेटल. मोनोवेलेंट मेटल्स में मतलब कि जिसकी वैलेंसी 1. अब मेटल्स हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, मेटल है तो पॉजिटिव चार्ज होगा. जैसे आप देखिए सोडियम, सोडियम का +1, पोटेशियम के इट इज़ +1, सिल्वर, नाम मैं पहले लिख चुकी हूँ इसमें दोबारा नहीं लिख रही हूँ, सिल्वर का भी +1 है. कॉपर, ना कॉपर जो है वो +1 वैलेंसी. मैं आपको फिर से एक चीज़ बताना चाहूँगी कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं, Cu+ और Cu2+. इसी तरह से आयरन है Fe2+, Fe3+. फिर एक आपका अभी कोर्स की चीज़ नहीं है लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए हम कर रहे हैं, Fe2+ और सॉरी Pb2+ एंड Pb4+. अब आप देखेंगे कहेंगे मैडम एक ही एलिमेंट है लेकिन इनकी 2 वैलेंसीज हैं, तो इस तरह के एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं अब जिस इसमें जो वैलेंसीज हैं वो अलग अलग हैं, तो कम वाली वैलेंसी जो होती है वो अस कहलाती है, लेस वैलेंसी एंड्स इन OUS, मतलब क्यूपरस, फेरस, प्लम्बस. Cu+ क्यूपरस, Fe2+ फेरस, Pb2+ प्लम्बस. और मोर वैलेंसी वाले को हम लोग एक सेंड करते हैं, मोर वैलेंसी एंड्स इन सफिक्स एक, जैसे क्यूपरिक, फेरिक, प्लम्बिक. मैंने इसमें लिखा हुआ है आगे, सो नो नीड, डोंट वरी. कम वाले को अस,
सफिक्स एंड करते हैं, ज़्यादा वाले को एक से करते हैं। अब आइए, तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा सी यू प्लस, दैट इज कॉपर है, लेकिन इसको हम लोग क्यूप्रस बोलते हैं। उसी तरह से डाइवेलेंट आयलन, डाइवेलेंट आयलन का मतलब होता है जिसकी वैलेंसी दो होती है। एग्जाम्पल है आपका Mg2+। वैलेंसी निकालना हमने इसीलिए सिखाया था कि कम से कम आप निकाल, अगर आपको याद नहीं है तो आप निकाल सकते हैं। इसलिए आप एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक के एलिमेंट की एक सीरीज याद कर लीजिए। Mg2+, Ca2+ कैल्शियम, Zn2+ जिंक, Fe2+ इसको आयरन या फेरस बोलते हैं, Cu2+ को कॉपर या क्यूप्रिक बोलते हैं। तो इसी तरह से ट्राइवेलेंट आयन जिसकी वैलेंसी 3 होती है, फॉर एग्जांपल जो है आपका Al3+ एल्युमिनियम आयन, Fe3+ आयरन और फेरिक आयन। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन जो है लेते हैं अपना शेल कंप्लीट करने के लिए, तो उनके पे जो है चार्ज हमेशा माइनस में आता है। जैसे एग्जांपल है आपका, उनको नॉन मेटल्स बोलते हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं वो नॉन मेटल्स हैं, जो लूज करते हैं वो मेटल्स हैं। अब हाइड्रोजन के है तो नॉन मेटल, लेकिन इसके पास टेंडेंसी होती है एक इलेक्ट्रॉन ले ले या एक दे दे। तो अगर ये ले लेता है तो -1, उसको हम लोग हाइड्राइड बोलते हैं। अगर वो ले लेता है तो उसको हम लोग -1 बोलते हैं, दैट इज़ हाइड्राइड। और अगर देता है तो हाइड्रोजन है, क्योंकि उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, तो उसको प्रोटॉन भी कहा जाता है। हाइड्रोजन को हम लोग प्रोटॉन भी कहते हैं। अगर H+ आयन हुआ तो इसको हम लोग प्रोटॉन भी कहते हैं, क्योंकि इसके पास अब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सिर्फ प्रोटॉन प्रोटॉन ही है। नेक्स्ट है क्लोराइड। अब आपने पढ़ा नहीं है, हैलोजन्स हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और शॉर्ट में हम आपको इसको बता दें फ्लोरीन, इसको F- बोलते हैं, क्लोरीन Cl- है, ब्रोमीन ब्रोमाइड, सॉरी एलिमेंट्स का नाम होगा तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होगा, लेकिन अगर चार्जेस के साथ बोलेंगे तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो इसमें चूंकि चार्जेस, इसलिए हमें सिंबल्स बताना था, तो IDE। अब आपने देखा होगा कि जहाँ ऊपर कहीं भी आपको IDE नहीं मिला, यहीं IDE मिला है, मतलब कोई भी एलिमेंट, इफ एनी एलिमेंट एक्सेप्ट्स electrons, then suffix IDE is used. IDE is, suffix सबको मालूम होगा जो पीछे लगाते हैं, जैसे हाइड्रोजन का हाइड्राइड, फ्लोरीन का फ्लोराइड, ब्रोमीन का ब्रोमाइड, क्लोरीन का क्लोराइड, आयोडीन का आयोडाइड। इसके बाद आपका आता है, अब आप देखिए कुछ नॉन मेटल्स जो कि डाइवेलेंट हैं, जैसे अभी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2-6। तो जब 2-6 है, कितने इलेक्ट्रॉन कम है इसके पास, 2-6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दो इलेक्ट्रॉन कम है, दो कम है तो दो लेगा, सो इसीलिए इस पर चार्ज आया 2-, और नेगेटिव है तो अगर नेगेटिव चार्ज के साथ, अभी मैंने बताया क्या सफिक्स लगता है, IDE। सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है आपका 16, सो 2-8-6, कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है, दो इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए इस पर चार्ज आ गया S2-। इसीलिए मैंने आपको निकालना सिखाया है, याद करने से अच्छा है निकालना सीख लेंगे तो आपको फिर आराम रहेगा। अब नेगेटिव चार्ज आ गया, इसलिए इस पर क्या लगा, सफिक्स IDE। नेक्स्ट है नाइट्राइड। नाइट्राइड, नाइट्रोजन का जो है एटॉमिक नंबर होता है 7, सो 2-5, कितने इलेक्ट्रॉन कम है इसके पास, 8 होने के लिए 3 कम है, तो 3 कम के लिए इस पर चार्ज आ गया 3-, तो जिस पे 3 चार्ज होता है ट्राइवेलेंट आयन कहलाता है। अब नेक्स्ट पढ़ना है हमको पॉली एटॉमिक आयन्स। पॉली एटॉमिक आयन्स मतलब कि
those ions which have more than one atom, more than one atom are called polyatomic ions. इसमें पहला example है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH. इसको हमको बाद में हम आपको बताएंगे हाउ टू राइट ऑन द फॉर्मूला, लेकिन थोड़ा सा इसलिए बताया कि आप बाद में जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इस पर चार्जेस कैसे आते हैं. किसी भी कंपाउंड में जो होता है वो ऑलवेज न्यूट्रल होता है. एनी कंपाउंड इज ऑलवेज न्यूट्रल मीन्स द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज. देयरफॉर NH4OH, सो इट डिसोसिएट इनटू NH4+ OH-. NH4+ इज कॉल्ड अमोनियम आयन और इस पर चार्ज +1, इस पर चार्ज आपका +1 है. अब इस पर अगर +1 है तो इस पर -1 होगा, तभी ये न्यूट्रल होगा, तभी ये सॉल्ट जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रल. अब उसके बाद जो होता है तो इसका मतलब क्या है, अगर किसी भी बेस में जितने भी OH आयन होंगे वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी. एक और तरीका है वैलेंसी याद करने का, जैसे आपको हम बताएं एक फॉर्मूला है MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में मैग्नीशियम के साथ कितने OH जुड़े हैं, 2 OH जुड़े हैं, इसलिए Mg की वैलेंसी 2+ हो जाएगी, क्योंकि एक OH की माइनस हो जाएगी तो 2 की आपकी माइनस, दोनों जो है बैलेंस हो जाएगा. इससे मतलब फिर समझ कि जितने NaOH में कितने OH है, 1, इसलिए सोडियम की वैलेंसी +1. तो बहुत दोनों तरीके से आप वैलेंसी निकाल सकते हैं, खाली आपको फॉर्मूलेस करते करते आ जाता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको याद होता जाएगा. अब नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3. इसमें कितने एच आयन है, सिर्फ एक एच आयन. अगर एक एच आयन आए तो टूटा ये H+ और NO3-. NO3- को हम लोग नाइट्रेट आयन बोलते हैं, Ni. अब यहाँ फिर ध्यान देना है कि सफिक्स ATE है, नाइट्रेट आयन NO3-. इसके साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ा है, एक एच. अब आपको नहीं पता कि नाइट्रेट पे क्या चार्ज होता है, तो आप तुरंत नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला याद करिए कि नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3 होता है, उस पर एक एच आयन जुड़ा है, इसका मतलब नाइट्रेट पे -1 होगा. उसी तरह से एक दूसरा एसिड होता है नाइट्रस एसिड HNO2. तो HNO2 में कितना एच आयन जुड़े हैं, एक एच जुड़ा है. अब NO2- को हम लोग नाइट्राइट आयन बोलते हैं, ITE, नाइट्राइट आयन कहते हैं. तो आपको खाली एसिड का नाम याद करिए, आपको याद हो जाएगा. नेक्स्ट कम्स कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड जो है, आप जब कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रहता है, दोनों को जब जोड़ते हैं तो बनता है कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3. H2O+CO2 जब जोड़ेंगे तो इट विल कम आउट H2CO3. नाउ अगेन आप देखो कि H2CO3 में कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन. सो 2 हाइड्रोजन होने से इसका मतलब कि कार्बोनेट आयन मैंने CO3 पे 2- चार्ज होगा, तो अब इसको हम ATE सफिक्स लेंगे, कार्बोनेट. हो सकता है कभी कभी डिसोसिएशन पूरा ना हो तो एक एच आयन दे और एक जो है आपका HCO3-. ये पूरी तरह से टूटा था 2H+ और CO3 2- हुआ, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है तो H+ और HCO3- होता है. तो HCO3- को हम लोग बाई कार्बोनेट आयन कहते हैं. कहीं कहीं आपको इसका नाम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी मिलेगा, कहीं कहीं बाई की जगह हाइड्रोजन भी लिखा जाता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है. दोनों नाम सेम हैं, बाई कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट बोथ आर सेम. अब देखो आप H+ पे +1 तो इस पे -1. यहाँ अक्सर बच्चे गलती करते हैं कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट में, यहाँ कंफ्यूज रहते हैं, ध्यान देना है हमेशा इस बात पे. नेक्स्ट एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड में जो है फिर देखो 2H है, सो 2H मतलब कि SO4 पे क्या होगा, 2 नेगेटिव होगा, इसको हम बोलते हैं सल्फेट आयन. एक एसिड है आपका सल्फ्यूरिक एसिड.
सल्फ्यूरिक एसिड में कितने एच हैं आपका? ये टूटता है तो एक दो एच हैं, लेकिन ये अगर कभी कभी क्या होता है कि एक हाइड्रोजन के जो है सल्फेट के साथ जुड़ा रहेगा, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन सल्फेट, या दो बार लिख दिया है मैंने हाइड्रोजन सल्फेट। तो इस पर प्लस वन चार्ज है तो इस पर माइनस वन चार्ज होगा। और अब अगेन इसको बाई सल्फेट बोलिए चाहे हाइड्रोजन सल्फेट बोलिए, दोनों सेम है। नेक्स्ट एसिड इज सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड अगेन 2H प्लस प्लस SO3 2 माइनस, तो SO3 2 माइनस को हम लोग सल्फाइट आयन बोलते हैं। फिर बता रहे अगर आपको एसिड्स का नाम याद है तो भी आप इन पॉलीएटॉमिक आयन्स के चार्जेस आपको याद हो जाएंगे, और याद हो जाएंगे नहीं तो बिना खाली एसिड का नाम रखिए तो आपको चार्जेस पता चल जाएंगे और आप कर लेंगे। नेक्स्ट एक और एसिड है दैट इज़ फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड में तीन हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, इसका मतलब कि फॉस्फेट पे तीन नेगेटिव आयन। H3PO3 पे आपका तीन हाइड्रोजन जुड़े हैं और आपका तीन PO3 3 माइनस, तो इसको हम फॉस्फाइट बोलते हैं। अब आपको याद करने के लिए हम बता दें, आप देखोगे कि जहाँ एट है सल्फेट फॉस्फेट नाइट्रेट में जितने ऑक्सीजन हैं उससे एक कम ऑक्सीजन जो है आपका अस एसिड में है, और वहाँ पे जब आयन टूट रहा है तो आई टी ई लग रहा है। आप यही एक एग्जांपल देख लो, सल्फ्यूरिक अरे फॉस्फोरिक एसिड में आपका एच थ्री पी ओ फोर है, चार ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपके चार ऑक्सीजन, तो यहाँ टूटा तो इसने बनाया पी ओ फोर थ्री माइनस, तो इसको हम लोग फॉस्फेट आयन बोलते हैं। उससे ठीक एक कम है एच थ्री पी ओ थ्री, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड। लिखा नहीं है, लिख दें फॉस्फोरस एसिड। तो फॉस्फोरस एसिड में अब यहाँ पे पी ओ थ्री थ्री माइनस, इसको आई टी ही, तो समझ में आया ए टाइट। अब लास्ट एसिड है दैट इज एसिटिक एसिड, इसको आप लोग विनेगर भी बोलते हैं, सी एच थ्री सी ओ एच, यहाँ पर CH3COO- को हम लोग बोलते हैं एसीटेट आयन, और इसके साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ा है एक, तो इसकी वैलेंसी एक हो गई आपकी, माइनस वन हो गई। इसके अलावा हमने आपको पहले भी बताया था जैसे H2S, अब इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो हम इसको लिखेंगे 2H प्लस प्लस S2 माइनस, तो ये कहलाता है आपका सल्फाइड। सल्फाइड आयन, तो आपको कुछ हम ऐसे साथ में लिखे जाए तो कंपेरेटिव आप स्टडी कर सकते हैं, एस टू माइनस एस ओ थ्री टू माइनस एस ओ फोर टू माइनस, तीनों में जो चार्जेस वो नेगेटिव टू हैं, लेकिन इसमें जो है इसको कहते हैं हम लोग सल्फाइड आई डी ई, ये कहलाता है आपका सल्फाइट, और ये कहलाता है आपका सल्फेट। सिमिलरली फॉस्फाइड, फॉस्फाइट फॉस्फेट, यहाँ गलतियाँ जो होती हैं बच्चों से इसीलिए हम इसको लिख रहे हैं, आप कंपेरेटिव पढ़ेंगे तो नहीं गलती होगी। ये कहलाता है आपका फॉस्फाइड फॉस्फाइट आई टी ई एंड फॉस्फेट। एक और एग्जांपल आपको हम दे दें दैट इज एन थ्री माइनस नाइट्राइड, एन ओ टू माइनस नाइट्राइट आई टी, दिस इज आई टी ई, दिस इज आई डी, एंड थर्ड वन इज नाइट्रेट। अब फर्क यहाँ देखो, यहाँ एन थ्री माइनस है
लेकिन यहाँ पे सिंगल चार्जेस है, यहाँ पे आपको देखना होगा एंड इट विल एंड विथ ए टी ई। कुछ थोड़े से और कॉमन आपको एक और बताते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का नाम सुना होगा आपने, के एम एन ओ फोर, इसको बोलते हैं हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये आपका टूटेगा के प्लस प्लस एम एन ओ फोर माइनस। अब धीरे धीरे आप पढ़ेंगे आता जाएगा, चिंता की बात नहीं है। लेकिन अब टुडे आई हैव यूज्ड बोथ द लैंग्वेजेस बिकॉज जो है कुछ बच्चे एकदम समझ नहीं पाते हैं, तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो कि आपको केमिस्ट्री में आनी चाहिए। इस वजह से मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में कोशिश की है ताकि आप समझ पाएँ। प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो सो दैट नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ाएंगे वो आपको फिर समझ में आएगा।